चांदिक राजपूत केस होने के बाद आखिरकार अंकिता लोखंडे ने अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी थी? क्यों अंकिता लोखंडे ने एक ऐसा झूठ बोला था जिसके बाद लोगों ने उनको ट्रोल कर दिया? और आखिरकार अंकिता लोखंडे ने ऐसा क्यों किया, इसके बारे में एक बड़ा सा सामने निकल के आ रहा है। और वहीं पर अंकिता लोखंडे जब से बिग बॉस के अंदर गई हैं, तब से लोगों ने कहा कि अंकिता लोखंडे का एक दूसरा चेहरा सामने आ गया है। क्यों? क्योंकि बिग बॉस के अंदर भी टीआरपी चाहिए, तो सुशांत का नाम लेना पड़ा। और साथ में विक्की जैन के साथ क्या बात हो गई है, इसके बारे में सारा सच सामने आपके निकल के आ रहा है, जो बताएंगे आपको। पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहां पर सबसे पहले आपको बता दिया जाए, जहां पर हमने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला होने के बाद अंकिता लोखंडे के ऊपर कई सारे लोगों ने सवाल उठाए। यहां तक कि अंकिता लोखंडे को लेकर लोगों ने यह तक बोल दिया कि अंकिता लोखंडे दिशा को जानती थी तो उन्होंने ये झूठ क्यों बोला रिपब्लिक पर कि भैया मैं दिशा को नहीं जानती, जबकि उनकी खुद की फोटो दिशा के साथ वायरल हुई थी। ये झूठ के बाद कहा जा रहा है कि अंकिता लोखंडे ने कई बार सुशांत को लेकर कई बातें बताई, अपने रिलेशन को लेकर बातें बताई। ये बताया कि सुशांत ऐसा कभी नहीं कर सकते, वो एक बहुत जिंदा दिल इंसान थे, वो 5 साल आगे के कामों के बारे में सोचते थे, वो टीवी में सुपरस्टार बन चुके थे, उसके बाद उन्होंने फिल्मों में काम किया, स्ट्रगल किया, फिर जाके उनको फिल्में मिली। पर साथ में उन्होंने एक बार ये भी बोला था कि सुशांत की वजह से उन्होंने कई सारी फिल्में छोड़ दी थी। अब कहा जा रहा है कि बिग बॉस के अंदर वो आई है पति के साथ, अपने विक्की जैन के साथ, और बिग बॉस में आते ही जब वो अच्छा खेल नहीं खेल पा रही हैं, लोगों को उनकी परफॉर्मेंस पसंद नहीं आ रही है, तो उन्होंने क्या किया, अब लोग ऐसा कह रहे हैं कि भैया बिग बॉस के अंदर भी टीआरपी चाहिए तो सुशांत का नाम लेना पड़ गया। ऐसा क्यों? ऐसी एक खबर निकल के आ रही है जो खबर आपको चौंका सकती है। कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत से ब्रेकअप के बाद अंकिता लोखंडे की हो गई ऐसी हालत। जी हाँ, hindi.oneindia.com से खबर निकल के आ रही है, जहां पर कहा जा रहा है कि अंकिता लोखंडे को लेकर एक खबर निकल के आ रही है, जहां पर टीवी एक्ट्रेस से लेकर बॉलीवुड तक अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाने वाली अंकिता लोखंडे इस समय पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 17 के अंदर नजर आ रही है। इस शो में वो अपने बिजनेसमैन पति विक्की जैन के साथ पहुंची है। विक्की जैन और अंकिता लोखंडे दोनों ही इस शो के अंदर कंटेस्टेंट के रूप में आए हैं। हालांकि शो में शुरुआत में ही अंकिता और विक्की के बीच गेम प्लानिंग को लेकर बहस छिड़ी हुई है, और ऐसे में दोनों के बीच अनबन भी दिखाई दे रही है। पर इसी के साथ एक खबर और निकल के आ रही है कि हाल ही में बिग बॉस 17 में आई अंकिता ने खुद अपने पति विक्की जैन से कहा था कि वह घर में अकेला फील कर रही हैं, लेकिन इसके बदले में विक्की जैन ने उनसे कहा था कि गेम पर ध्यान दे और अपना बचाव करे। टैली चक्कर की खबर के मुताबिक अब अंकिता को बिग बॉस के लाइव फीड में नावेद के साथ बात करते हुए देखा गया। अंकिता ने नावेद को बताया कि दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के साथ ब्रेकअप के बाद उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई थी। अंकिता ने नावेद से बात करते हुए कहा, सुशांत से ब्रेकअप के बाद मेरे लिए मूव ऑन करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि ये लंबा रिलेशनशिप था। ये तब होता है जब एक मूव ऑन कर जाता है और दूसरा नहीं कर पाता है। मतलब यहाँ पर वो कह रही है कि सुशांत मूव ऑन कर चुका था पर मैं नहीं कर पा रही थी, उस दर्द से निकलने में मुझे लगभग 2.5 साल लग गए थे। मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं किसी और को डेट करने से बारे में सोच भी नहीं पा रही थी। मेरे लिए ये बहुत ही दर्दनाक था। मैंने प्यार में विश्वास करना कभी नहीं छोड़ा। हालांकि जैसे ही मैंने इससे बाहर निकली, विक्की जैन मेरी जिंदगी में आ गए। और इसके बाद कहा जा रहा है कि अंकिता आगे कहती है, विक्की पहले से ही मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन मैंने उन्हें कभी उस नज़र से नहीं देखा था। मेरे विक्की से बात होती थी और उस वक्त मैं उनसे कहती थी कि मेरा एक्स एक दिन जरूर वापस आएगा, मैं उनके लिए इंतज़ार करूंगी। मुझे नहीं पता था कि ये कैसे हुआ, बस विक्की मेरी ज़िंदगी में आ गया और उसने शादी के लिए मुझे प्रपोज कर दिया। उन्होंने आगे ये कहा, मुझे उस वक्त एहसास नहीं हुआ कि मैं एक रिलेशनशिप से निकली और दूसरे में चली गई। इससे बाहर निकलना मेरे लिए बहुत ही दर्द भरा था और विक्की के मेरी ज़िंदगी में आने के बाद लाइफ बदल गई। आपको बता दें कि अंकिता लोखंडे और सुशांत सिंह राजपूत ने जी टीवी के एक बहुत ही फेमस शो पवित्र रिश्ता के अंदर काम किया था एक साथ। इस शो के दौरान दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे और 6 साल तक रिलेशनशिप में रहे। हालांकि सुशांत को जब से बॉलीवुड के ऑफर आने लगे तो उन्होंने अंकिता लोखंडे से दूरी बना ली थी। और भैया ऐसी खबर हमारी मीडिया छाप रही है, ये दोबारा लाइन पढ़ना चाहूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है न्यूज मीडिया ने। न्यूज मीडिया यहां पर लिखती है, हालांकि सुशांत सिंह राजपूत को जब से बॉलीवुड के ऑफर आने लगे तो उन्होंने अंकिता लोखंडे से दूरी बना ली थी। कहाँ ऐसा प्रूफ है भैया कि सुशांत को बॉलीवुड ऑफर आने लगे और इन्होंने अंकिता से दूरी बना ली? हालांकि उनकी पर्सनल लाइफ है, पर भैया इसका प्रूफ तो दो कोई कि ऑफर आने के बाद सुशांत बदल गए। मतलब यहाँ पर साफ साफ फिर से एक बार सुशांत को डिफेम करने में लग गए हैं लोग। मतलब सुशांत को गलत साबित करा जा रहा है यहाँ पर, ऐसा ही लग रहा है और ऐसा ही प्रतीत हो रहा है जो सामने लिखी है, ये बात आपसे कर रहे हैं।
क्योंकि यहाँ पर अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो एक और बड़ी लड़ाई सामने निकल के आ रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अंकिता लोखंडे और विक्की जैन के बीच में बिग बॉस के अंदर फाइट हो गई है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि जिंदगी में कुछ दे तो पाई नहीं, विक्की जैन ने खोया आपा, सरेआम पत्नी अंकिता पर निकाली भड़ास और हुए ट्रोल। न्यूज़ 18 की खबर है। कहा जा रहा है कि इसमें बताया जा रहा है कि टीवी एक्टर अंकिता लोखंडे ने पति विक्की जैन के साथ बिग बॉस हाउस में एंट्री ली है। शुरुआत में एक दूसरे का सहारा बनकर रहने वाले ये दोनों कपल थे, अब एक दूसरे पर भड़क रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि बिग बॉस के लेटेस्ट एपिसोड जो आया है उसमें कहा जा रहा है कि कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, जहां पर सुपरस्टार सलमान खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले बिग बॉस 17 के अंदर घर वालों के बीच में लगातार बवाल मचा हुआ है। और कहा जा रहा है कि लेटेस्ट एपिसोड में ही कई सारे लोग भिड़ चुके हैं आपस में, पर इसी के बीच एक खबर और निकल के आ रही है कि जो शो में पति विक्की जैन है उनके साथ कंटेस्टेंट बन के पहुंची उनकी पत्नी अंकिता लोखंडे बहुत चर्चा में बन गए हैं। क्यों? आखिरकार प्रीमियम एपिसोड में एक दूसरे को अपना सहारा बताने वाले रियल लाइफ कपल विक्की जैन और अंकिता लोखंडे के बीच में बिग बॉस हाउस के अंदर एंट्री लेने के बाद लगातार लड़ाई और झगड़े बढ़ रहे हैं। और कहा जा रहा है कि बीते एपिसोड में भी दोनों के बीच में आपसी टकरार देखने को मिला। दरअसल कहा जा रहा है कि विक्की बिग बॉस के अंदर कुछ लोगों के क्लोज आ चुके हैं और इसको लेकर कहा जा रहा है कि जो अंकिता है इनकी अभिषेक से किसी बात पर लड़ाई हुई थी। कहा जा रहा है कि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अगली ही सुबह विक्की और अभिषेक जो हैं और ईशा के साथ बैठकर उनसे बात करते हुए नजर आए, मतलब जिनकी अंकिता से लड़ाई हुई उसके साथ विक्की जाके बैठ जाते हैं। और इसी बात को लेकर कहा जा रहा है कि इसी दौरान अंकिता वहां से निकलती है और विक्की को अभिषेक के साथ देखकर मुंह बना लेती है। अंकिता की ये बात विक्की को जरा पसंद नहीं आई और कहा जा रहा है कि वह अपनी पत्नी पर बुरी तरह नाराज होते हुए नजर आए और विक्की ने पहले तो कुछ नहीं कहा लेकिन बाद में अंकिता से बैठकर इस पर बात की। इस दौरान वह कहा जा रहा है कि अपना आपा खो बैठे थे। वह अंकिता पर चिल्लाने लगे और कहते हैं ये बहुत घटिया है, जिंदगी में मुझे कुछ दिया तो नहीं, पीस ऑफ माइंड ही दे दो, छी मुझे शर्म आती है, ये तुम्हारा सबसे बुरा साइड है जो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। इसके बाद गुस्से में विक्की अंकिता को छोड़कर रूम से बाहर आ जाते हैं। दूसरी ओर अंकिता उन्हें बात करने के लिए बुलाती रहती है और कहा जा रहा है कि इस तरीके से इनका टकराव नजर आ रहा है। एक तरफ शो में अंकिता लोखंडे दिखाई दे रही हैं और टीआरपी के लिए सुशांत की यादें आ रही हैं और सुशांत का नाम लिया जा रहा है, और दूसरी तरफ ऐसा फैन कह रहे हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा सोशल मीडिया में फैंस कह रहे हैं कि फिर से शो के अंदर टीआरपी चाहिए तो सुशांत का नाम लेना पड़ रहा है। पर यहीं पर अगर हम बात करें तो इस न्यूज़ के अंदर क्यों फिर ऐसा लिखा गया कि सुशांत को फिल्में मिली और सुशांत अंकिता से दूर हो गए या दूरी बना ली? मतलब भैया कितना बदनाम करोगे एक शख्स को, सवाल यहां उठता है, बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिरकार फिर से एक बार सुशांत के फैंस ये पढ़कर नाराज हो सकते हैं। जी हाँ, ये पढ़कर डेफिनेटली नाराज हो सकते हैं, क्योंकि अगर किसी की तारीफ नहीं कर सकते, किसी का साथ नहीं दे सकते, तो कम से कम किसी को बदनाम तो नहीं करना चाहिए। पर आप क्या कहना चाहोगे इस बात को जानने के बाद, हम चाहेंगे आप अपनी राय कमेंट्स रखिएगा, क्योंकि जिस तरीके से चीजें निकल के आ रही है अपने आप में बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट्स बताइएगा, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जहां पर 3.5 साल से चल रहा है वहीं पर इस मामले में जनता की अदालत के अंदर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, बड़े बड़े नेता बड़े बड़े नेताओं के नाम ले रहे हैं। राशिद खान पठान साहब जो हैं वो कादर की पीएल दाखिल कर चुके हैं, उसकी सुनवाई की डेट भी निकल के आ चुकी है, कई सारे मामले सामने हैं। पर इस मामले में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है सुशांत मामले में कि एक सेलिब्रिटी का मामला है और आज से फाइनल कंक्लूजन निकल के नहीं आया सामने। लोग इंतजार कर रहे हैं, इंतजार करेंगे, पर देखते हैं जल्द इस पूरे मामले का फैसला निकलेगा। पर क्या लोग टीआरपी के लिए सुशांत को याद करते रहेंगे? आपकी राय क्या, कमेंट्स बताइएगा, मिलेंगे बहुत जल्दी। और साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारा नया चैनल सागर भल्ला रिव्यू भी आ चुका है, उसके साथ भी जुड़िए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और फेसबुक का भी हमारा नया चैनल आ चुका है सागर भल्ला, उसके साथ भी जुड़िए, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।